मंदिर के नाम पर पिछले न जाने कितने दशकों से सिर्फ राजनीति होती थी, लेकिन इस मुद्दे को सुलझाने की जहमत सिर्फ बीजेपी सरकार ने उठाई। मुद्दे को सुलझाया तो सुलझाया ही, लड़ाई ऐसी लड़ी कि फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया और फिर राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ और त्रिपुरा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी ऐलान कर दिया कि आखिर कौन सी तारीख तक राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 तारीख बता दी है गृह मंत्री अमित शाह ने, मतलब जिस नारे को बोलकर बीजेपी को ट्रोल किया जाता था, मंदिर वही बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार तारीख बता ही दी। और जब तारीख बता दी है तो फिर 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस को तकलीफ हो गई है। जी, कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बौखला गए हैं अमित शाह के तारीख बताने पर, बिफरे हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खड़गे काफी गुस्से में नजर आए, कहने लगे कि देश के गृह मंत्री सुरक्षा की बात करने के बजाय मंदिरों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, त्रिपुरा में चुनाव है, अमित शाह वहां जाते हैं और कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसका उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को होगा। भगवान में सभी की आस्था है, लेकिन आप चुनाव के दौरान इसकी घोषणा क्यों कर रहे हैं? खड़गे ने आगे पूछा कि क्या आप राम मंदिर के महंत हैं? महंतों, साधुओं और संतों को इस बारे में बात करने दीजिए। मंदिर खोलने की बात करने वाले आप कौन होते हैं? आप एक राजनेता हैं, आपका काम देश को सुरक्षित रखना है, आपका काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, लोगों के लिए भोजन सुनिश्चित करना है और किसानों को पर्याप्त मूल्य प्रदान करना है। त्रिपुरा में इलेक्शन है, वहाँ शाह चाहते हैं, वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में और आने वाले चुनाव में? वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी हैं आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत हैं आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो। आप क्यों है? आप पॉलिटिशियन है? आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना, लोगों के पेट भरना और किसानों का पेट, किसानों का दाम देना आपका काम। वही कांग्रेस ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो ट्वीट किया है, लिखा है, मुख में राम बगल में छुरी, ये समाज को बांट रहे हैं, जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, और ये छुरी लेके घूम रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, जाति जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं और एक खाई बढ़ा रहे हैं जो डिवाइड कर रहे हैं। इसी के लिए राहुल गांधी जी इस खाई को दूर करने के लिए, जोड़ने के लिए वो इतनी पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं खड़गे की इस बौखलाहट का असर सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला। अरविंद कुमार नाम के यूजर ने लिखा, भारत सरकार की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये किसने कहा? इस पर झगड़ा बढ़ेगा या आपसी मोहब्बत? शिव भक्त नाम के यूजर ने लिखा, बस करो भाई रिमोट कंट्रोल जी। भवर सिंह नाम के यूजर ने लिखा, सनातन संस्कृति विरोधी हो आप, सनातन संस्कृति और सभ्यता से नफरत करने वाले लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपने स्वयं के पूर्व के बयानों पर ध्यान दो यार, जनता समझती है और याद भी रखती है। आशु नाम के यूजर ने लिखा, राम मंदिर का हमेशा विरोध करने वाले भड़कने और भड़काने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। अभिषेक नाम के यूजर ने लिखा, साहब पुजारी नहीं सनातनी है। अनिल गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा, इस नीति के कारण ही तो आज कांग्रेस हाशिए पर है। तो कुछ इस तरह से अपने बयान को लेकर खड़गे खुद ही ट्रोल हो गए, जबकि वो तो अमित शाह के तारीख बताने पर लोगों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कह दिया था कि अगली 1 जनवरी तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा सुनिए, 1 जनवरी 2024 तक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मित्रों, मैं एक बात बताने आया हूँ, 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था,
बड़े राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। मतलब अब तक जो लोग डेट मांग रहे थे उन्हें मंदिर निर्माण खत्म हो जाने की तारीख बीजेपी ने दे दी है, तो इस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है। इस पर सुनना पड़ रहा है कि क्या अमित शाह महंत हैं? अरे भाई महंत तो नहीं है, लेकिन आप सवाल महंतों से तो पूछ नहीं रहे थे कि राम मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, आप सवाल तो बीजेपी से ही कर रहे थे ना, तो बीजेपी ने तारीख बता दी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी। उसके बाद से अब तक निरंतर तेजी से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और अब तो गृह मंत्री अमित शाह ने निर्माण कार्य पूरा हो जाने की भी तारीख बता दी है, जिससे कांग्रेस बौखला गई है। वैसे खड़गे की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह से पूछे गए सवाल की आप क्या महंत है, पर आपका क्या कहना है, कांग्रेस की इस बौखलाहट पर आपके क्या विचार है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।